बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां छोड़ी थी। सत्य शब्द पाए परवाना, सोई हंस महाकर्त पयाना। वाह। अब यहां साहब एक बात करें, नाम की प्राप्ति के बगैर मनुष्य परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, उस सत्ता तक। अब सवाल ये उठा कि क्या नाम नाम सब जगत बखाना, वो एक अध्यात्म ऊर्जा है। सार शब्द सत्पुरुष है जानो। हम जिन चीजों को देखते हैं हमारी आंखों पर असर पड़ता है, आंखें उसका अक्स लेती है। हम जो शब्द सुनते हैं उनका भी हमारे अंतःकरण पर असर पड़ता है। हम जो चिंतन करते हैं उसका भी हम पर असर पड़ता है। इस प्रकार से हम जब हम स्मरण करते हैं उसका असर हम पर बहुत पड़ेगा, लेकिन हमारा ध्यान जिस तरफ है वही हम हैं। खास चीज है सुरती। तो साहब कह रहे हैं नाम सुरत लौलाए। अभी ये दुनिया में घूम रही है, बस इसको वहां से हटाना। जो नहीं गलत शब्द सैदानी सोपन पड़े नरक की कहानी। नाम बिना सब बुद्ध सोहिना, सूरज रज जो लोल लावा सोहंसा जग भर न आया। बोले वो फिर दोबारा संसार में नहीं आता है। वजह क्या है? स्वेच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा के कारण, इच्छाओं के कारण ही बार बार मनुष्य संसार सागर में आता है। आपके पास मनुष्य तन क्यों दुर्लभ है ये सुने। मोक्ष द्वार क्यों है? इसमें परम पुरुष ने अपनी पूरी ऊर्जा दे रखी है। इसमें विवेक है, विवेक बाकी किसी पशु और पक्षी में नहीं है। इसमें ज्ञान है, इसमें धैर्य है। ये सभी सद्गुणों को धारण करके तब ये हंस लहे सतलोक लहे विश्रामा। इसलिए धन भाग जगी मनुष्य देह मिली रे। ये बहुत दुर्लभ तन है, देवता भी चाहते ये तन मिले। इसमें विवेक है, पर ये संसार में साहिब वाणी में कह रहे हैं गुर पशु नार पशु, गुर पशु नर पशु नार पशु वेद पशु संसार। मानुषता को जानिए जिसका विमल विचार। अब यहां साहब एक बात और भी कह रहे हैं, गुरु पशु अर्थात बिन जाने जो कोई गुरु करे सो नहीं भाव सागर से तरे। गुरु पशु कौन? समझा नहीं, जांचा नहीं। यहां साहब का एक चेतावनी का शब्द है, पानी पीजे छान के गुरु कीजे जान के। बिन जाने जो कोई गुरु करे सो नहीं भाव सागर से तरे। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। कहता हूं हेला गुरु का गुरु चेले का चेला। साहब ने दोनों पक्ष रखे। अब सूरत निरत जो लो लावा सुहंसा जग भोर नावा। अब मुझे यहां एक विचार आता है, आलोचक नहीं हूं। मान लीजिए कोई आदमी उपदेश दे रहा है सत्य जीवन के लिए जरूरी है और कोई झूठ का महात्म गा रहा है, तो सच का प्रचार करने वाले को बुरा तो लगना ही लगना है ना, स्वाभाविक लगना है। इस तरह दुनिया एक अडंबर में इंसान को खींच के ले जा रही है।
अपने हितों के लिए, इसलिए साहब की हर साखी के पीछे है। कहत कजी कबीर, सुनो भाई साहब, तो गुरु पशु है जो सोचा विचारा नहीं, जहां है वहां कूद पड़ा। पशु, दूसरा है पशु, पशुओं में विवेक नहीं है। तीसरा है नर पशु, नर पशु वह है मनुष्य तन प्राप्त करके भी जो कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। चौथा वेद पशु और नार पशु। मनुष्यता को जानिए, जागो विमल विचार, हर शब्द के बाद साहब कह रहे हैं विचार करना। अब सुरत निरत का क्या मतलब है? हमारी पूरी ऊर्जा बिखरी हुई है, कहां संसार में। अभी आत्म ऊर्जा के कारण ही आपको यह संसार का आभास हो रहा है। मैं एक बात कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं सुनने की ताकत को सुरती कहते हैं, देखने की ताकत को निरति कहते हैं। कुछ कुछ कह रहे हैं, नहीं, निरत हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को मूवमेंट करा रही है, वो भी सुरत का एक अंग है। सुरत को यूं जानिए, अभी आपको कहूं अपने घर ध्यान ले जाओ, आपका ध्यान घर में गया, यहां का पूरा माहौल खत्म हो गया। दोनों कुछ चीज है, जब ये दोनों इकट्ठी हो जाती है, ये सुमरण के बिना होती नहीं है इकट्ठी। जब तक आपके श्वासा शरीर में है, तब तक आपका मन चंचल है, स्थिर नहीं हो सकता। अभी यहां कह रहे हैं मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। ये ऑटोमेटिक सुमरण से हो जाएगा। जब आप सुमरण करते हैं, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि में के बीच चलत है उल्टी श्वासा। कई जगहों पर साहब ने कहा पवन को पलट कर शून्य में कर दिया। सुरत निरत बेला भया, तब मुख्य हाजत ना है। अब जैसे जैसे ये श्वासा शून्य में जब जाकर समा जाती है, वहां मन की गति रुक जाती है। जब मन की गति रुक जाती है, तो संकल्प विकल्प चिंतन मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों नियंत्रित हो जाते हैं। वहां जो अभीष्ट रहता है वो आत्मा है। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी ने रामायण में भी दी, सोहमा अस्मृति ताम प्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सप्रकाशा तब बहुमूल अविद्या नाशा। वहां इसी को कहा शून्य अवस्था। ये सब सुमरण से ऑटोमेटिक हो जाएगी। श्वास रथ एक डोरी लाए, अजर अमरो लोक सिधाए, वही सूरत सब रचना की ना। देखा, यहां हम जो भी काम करते हैं, शरीर एक माध्यम है। पहले हमारा संकल्प उठता है, उसके बाद में निश्चय होता है, उसके बाद पूर्णा होती है और क्रिया होती है। यही मन है पूरा। तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित काजी। जब आप एकाग्र हो गए, एकाग्र जब तक श्वास चल रही, एकाग्र नहीं है, चंचल है। मैंने दो दिन पहले भी इस पर कहा, तो ये चलते फिरते जब स्मरण करता है तो अजपा स्थिति बन जाती है, वो चलती फिर श्वासा उसी तरफ है। सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर बिच ध्यान लाए, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। अब क्या, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से।
दूध को मत घृत न्यारा किया, फिर कर उसमें नाहे समाई। इस तरह वो विदेह स्थिति को प्राप्त करता है, जीवन मुक्त हो जाता है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण संकृष्ण है, वही सूरत सब रचना की ना, उसी सूरत से पूरी दुनिया है। कुछ समय बाद, आज से 20 साल बाद, वैज्ञानिक लोग कंसंट्रेशन की तरंगों को पावर मानेंगे, पर वो पकड़ नहीं पाएंगे। हम तरंगों के युग में जी रहे हैं। अभी तो लेजर मिसाइल्स शुरू किए, अभी एटम बम फेटम बम बाकी हथियार गोला बारूद की लड़ाई नहीं होगी। जो अंतरिक्ष में उपग्रह है उनको भी लेजर मिसाइलें डिस्टर्ब कर रही है। उनकी ऊर्जा सूर्य से हीट कलेक्ट करेंगे। इसी तरह आपकी पूरी ऊर्जा दुनिया में फंसी है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं बड़ा सटीक, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैरों में। आगे फिर क्या बोल रहे हैं, सूरत से देख सखी वह देश, जो कुछ है वो सूरत है। सूरत संभाले काम है, सूरती ध्यान को ही कहते हैं। तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, भय कतो ना जाए। कहे कभी सुनो धर्मदासा, ऐही मूल सब लोक प्रकाशन, उसी सूरत से पूरा संसार है। आपकी भी सूरत अगर नहीं है तो कुछ नहीं। आप बैठे हैं, आपकी आंख नाक कान मुंह और कर्म ज्ञान इंद्रियां काम कर रही, अगर ध्यान हट जाए तो आप वहां शून्य ही है। फिर सीधे सूरत संभाल, पल पल सूरत संभाल, क्योंकि एक पल भी आपकी सूरत एकाग्र नहीं होती है। अक्सर मेरे पास लोग आकर एक बात कहते हैं, गुरु जी ध्यान एकाग्र नहीं होता, ये इतना सुमरण से हो जाएगा। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण संकर्षण है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ऐही मूल सब लोक निवास प्रकाश, और नाम बहुत कहे भाई, कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बड़ला पर। यही नाम धड़कर कहो, कहे कबीर समझाए, अगर विदेही नाम गए अग्र रूप हो जाएगा। यानी इस नाम को पकड़ना, जब समग्र एकाग्रता हो जाती है ना, वो एक अवस्था बनती है वहां पर। अब यहां साहब क्या करें, नाम न लिया तो क्या हुआ, जो है अंतर, जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे कभो नाम नहीं लेते। धर्मदास जी फिर सवाल कर रहे, धर्मदास विनवे कर जोड़ी, कह रहे मैं हाथ जोड़ करे साहेब प्रार्थना कर, साहेब कहो ज्ञान की डोरी, जाते मन चित अस्त्र होई, चरण प्रसाद पाए उस महाकठिन बहुसिंध कराला, लीन उबार कूटी। हे साहेब, ये संसार बहुत जटिल है, इसलिए मुझे एक बात कृपा करो जिससे मेरा मन स्थिर हो, वही मुझे सूत्र बताओ। साहब कह रहे, धर्मदास भल कीन विचारा, हंस राज बड़ भाग तुम्हारा, और ध्यान सुमरण मन हमारा, विदेह नाम सोई न्यारा रहा। बोला ये विदेह नाम न्यारा है, सो अब तुम कह दीन चिनाई, देह विदेह लेह निर्माई, बड़े भागवाही के कहिए सूरज शब्द में भाषा ले। अब सूरज शब्द जो है यहां पर लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है, वो क्या कह रहे हैं, ये सुरती अंदर होने वाली धुनों में रख देना, नहीं। और कहीं कहीं व्याख्या दे रहे हैं दो शब्द है, वर्णनात्मक धुनात्मिक। वर्णनात्मक शब्द जो हम वाणी में बोल रहे हैं, धुनात्मिक जो अंदर में हो रहे हैं, वो सच्ची धुने ही परमात्मा यूं बोल रहे हैं। साहब इस अजबा को कभी भी परमात्मा नहीं बोला, इन धुनों को
जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। आप ऐसे पंथों के शास्त्रों को टटोलो ना, जिनमें वो साफ इन दोनों को ही सच्चा नाम सच्चा परमात्मा कह रहे, वो नाम ये नहीं है। नाम विदेह का यह प्रभाव इक्कोत्तर से पुरुषोत्तर है। आप याद रखना, प्राचीन काल में लोग वंशहीन नहीं होना चाहते थे, इसका रहस्य है। हमारे देश में सोशलिज्म है, आपके शरीर में 7 पीढ़ी तक जेनेटिज्म इफेक्ट रहता है। आपके शरीर में 50-100% भी अपने बाप की जीन है, डीएनए में भी निकाल, आपके पोतरे में 50% आ जाएंगे, तीसरी पीढ़ी में 50%, चौथी पीढ़ी में आपके परपोतरे में 25% होंगे, पांचवी पीढ़ी में तह परपोतरे में 12.5%, छठी पीढ़ी में 6% होंगे, सातवीं पीढ़ी में 2-3%, उसके बाद ये जेनेटिज्म स्टॉप हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना 7 पीढ़ी तक नहीं छोड़ना, इसीलिए तो विवाह में 7 फेरे लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं 7 जन्म तक हम पति पत्नी रहेंगे। याद रखना वो क्यों, मौत के बाद शरीर खत्म होता है, अभिव्यक्ति इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं होते, वो बरकरार रहती है, शरीर खत्म हो जाता है, उसके अनुसार फिर शरीर को धारण करता है। यहां साहब कह रहे हैं पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर, प्रारब्धानुकूल ही शरीर का निर्माण है। नाम महातम कहूं कहा समझाई जय प्रताप यम देव। अब ये कह रहे हैं उसके प्रताप से यम डरता है। अब यहां विवेक करो, यम डरता है, ऐसी क्या ताकत है उस नाम में। प्रकाश के पास अंधकार नहीं आ पाता है। आपने ऑल आउट लगाया, मच्छर नहीं आ पाता है। आपने वैक्सीनेशन लगाया स्मॉल पॉक्स का, चेचक नहीं होती। अभी तो कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन की भी तलाश कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो दवा शरीर में रहती है, उसके एंटीवायरस काम करते हैं। इस तरह गर्भ निवारक नाम है भाई, ये नाम पर पुनर्जन्म की तरफ नहीं ले जाता। ध्यान विजय यह प्रभाव इकोत्तर के पुरुष तरफ, यानी उसकी 71 पीढ़ी तारता हूं साहब कह रहे हैं। इस क्यों, पितृलोक में आपके पुरखे हमेशा वहां हैं, वो यही इंतजार करते हैं हमारे कुल में कोई ऐसा ज्ञानी भक्त उत्पन्न हो जो हम सबका कल्याण कर दे। इसमें दो राय नहीं, कोई कहे सर्वगुण ब्रह्म दिखाओ तो मां बाप दोनों को खड़ा कर देना, शरीर का निर्माण उनके रज नीरज से हुआ। इसलिए भारत में गोत्र वगैरह ये सब चलते हैं, यहां की सोशल लाइफ वेरी रिच है, इसलिए गर्भवंश कोई होना नहीं चाहता। उसके बाद भी आपके पितृलोक, पितृलोक से आपको देखते रहते हैं, सोचते हैं ये कोई ऐसी महान भक्ति करे परम पुरुष की, हमारा कल्याण। इस बात को हम मानते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम महापुरुषों के पास या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इसकी आत्मा को का कल्याण करना। इसका मतलब है हमारा दृढ़ विश्वास है देहांत के बाद भी हमारी अभिव्यक्ति जीवित रहती है, हमारी आत्मा रहती है। सार शब्द जो चित नहीं लागा सोई जीव बड़े आहे भागा, यानी उसका जीवन व्यर्थ है। इतना बड़ा महात्म, ये कोई साधारण विभूति बात नहीं कर रही है। वो 43 मंक्स ऑफ इंडिया जो है वर्ल्ड के, उनमें भी कबीर साहब का नाम आता है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। कहे कबीर पुरुष को यही रूप निसार।
निगम निगमागम नेति नेति कर धाये। इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, आगे कुछ है। तिनका रूप वरण को पाए, मन बुद्धि चित पहुंचे नहीं थे वहां, अवरण पुरुष मिला जाएगा। वो इसकी पुष्टि तो वासुदेव कृष्ण ने गीता में भी की। हे अर्जुन, जब का सर्वभूतान हृदय सभी प्राणियों में ईश्वर रहता है, अर्जुन ने अपेक्षा किया पर वो दिख क्यों नहीं रहा। कहा हे अर्जुन, कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, और अंतःकरण की चार सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। वासुदेव कृष्ण ने जब ये बोला, अर्जुन ने एक प्रश्न किया, फिर हमारे पास साधन क्या है? बोला दिव्य दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है। सुरत निरत मेला भया मुख की हाजत है, इसलिए इसे दुनिया में नहीं उलझाओ। अगम अगाध गाध वो नहीं जो का तो प्रभु सदा रहे। कमता बढ़ता भी नहीं, हम उसके अंश है। एक देसी कहावत है, बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा सा। सत्य नाम पुरुष की वर्णी, बहुत सागर की यह है तरणी। इसलिए उस शब्द को वाचक शब्द दिया सत्य नाम। ध्यान सूरज जिनकीन समारा, चरण सोहे भव पारा। कहे कभी धंधा से पहुंचे लोग मजार, लीला गर्दीप जय पुरुष है हंसा कर दिया। बहुर न आवे यह संसार। अब यह मां की खूबी क्या है साहब करें? बहुर न आवे यह संसार, दोबारा इस संसार में नहीं आता। धर्मदास जी विनती कर रहे हैं, तीन लोग में व्यापक काला धर्मराज जी कीन बिहार। हम सबकी ऐसी मेंटेलिटी जिस चीज को सुनते हैं देखते हैं इच्छा करते हैं उसका असर पड़ता है। इसलिए कुछ लोगों ने परमात्मा कई परमात्मा बनाए, हर जाति का एक परमात्मा है, हर धर्म का एक परमात्मा है। साहब ने यहां अपेक्षा किया, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये परमा है। तीन लोक में व्यापक काला धर्मराज जी कीन बिहाला, ये भूमि यम जाल पसारा नेम जा कट कर्म आचारा। ये सभी दुनी बुलानी नाम साल का होने जाने। धर्मराज जी भी कह रहे हैं हे प्रभु, इस तरह संसार के जीव इस भ्रम में उलझे हुए हैं और सही नहीं, किसी जाको कहिए भेद सौ सिर पैरी होए पहले ही वहां आपको उलझा देंगे। इन्होंने देवी देवते छोड़े, अरे एक नाम को जानकर दूजा दे बाय, बात बात को सींचते भूले दिया सुखाए, माली सूचे मूल को रुतावे फल खाए। नानक एको सुमरिय जल तल रहा समाय, दूजा काय सुमरिय जो जन्मे और मर जाए। वेद भी तो कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीय नाश। देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोई, सदगुरु की पूजा की है सबकी पूजा। अब साहब क्या कह रहे हैं? पुरुष पेड़ निरंजन डाला, त्रिगुण शाखा प्रति संसारा। आदि पुरुष एक बोल बोला निरंजन डाला, तीन लोग त्रिदेवा शाखा भय पत्र भया संसारा। देखिए पेड़ का भी नाश हो जाता है शाखाओं का, लेकिन जल्दी नहीं होता। पहले क्या जाते हैं पत्ते, ये सब आम जीव पत्ते की तरह झड़ते फिर आते रहते, फिर शाखाएं धीरे धीरे वो सूखती हैं, फिर तने पर असर आता है, फिर पेड़ गिरते हैं। सत्य नाम जाने ना कोई, सार शब्द गए भिगोई।
अब देखो प्रिंटिंग करने वाले ने क्या लिखा, सत्य नाम जाने ना कोई, सार शब्द में गे भी गोई, गए भिगोई की जगह दो शब्द बना दिए। अब जिसको भिगोने का मतलब नष्ट होना, इस तरह प्रिंटिंग फॉल्ट इतने आते हैं कि आपको मैं क्या बता, वो चलते आते हैं। अब सार शब्द बिन गए भिगोई, बिगने का भिगोई का मतलब नष्ट होना, बर्बाद हो जाना। अब ये क्या लिख रहे हैं, सार शब्द बिन गए भी गोई, गए मैं उसकी बाय भी जोड़ दी, हो गया गए भी और आगे गोई, कोई अर्थ ही नहीं निकला, वो है गए भिगोई। नाम महात्म भाग्या धन राज समझाए, जो नर प्राणी नाम बिनता है काल दर का। बार बार एक ही चीज पर कर रहे हैं, कलि में केवल नाम अधारा समर समर भगवत रखा, निर्वृत ज्ञान जीवन समझावा, अजर नाम से गुप्त छिपावा, जो नियरा होवे जियरा होवे अंकुरी, वासी कहो शब्द भरपूरी। यानी अंकुरी श्रद्धा रखने वाले को बोलना, यही बात तो गीता में भी आती है, जो श्रद्धा नहीं रखता है उसके सामने ये बात नहीं बोलना, वो स्वीकार नहीं करेगा। जिव्या कहो तो जगत रिजाई, प्रकट कहो तो काल नसाई। बोला मैं अब जीभ से बोलता हूँ ना तो फिर मुश्किल हो जाती है, लोग लड़ते हैं, अगर प्रकट हो जाऊं मैं वैसा ही तो काल ही खत्म हो जाऊंगा। उपजे विनसे को संसारा, कैसे पूजे काल आहारा, प्रकट जान भाखाऊं हृदय धरो छिपाए, बीरा दे समझाऊं सदगुरु ले लगाए। वाह साहिब कह रहे, जब मैं नाम दूंगा तो अंदर से वो नाम पूरा समझाएगा, और यही है सुसंवेद का खुलना। धर्मदास विनती अनुसारी, बिन पांजी कैसे निस्तारी, बिना नाम के निस्तारण नहीं हो सकता। वो अंदर से फिर वो ताकत समझाती जाएगी, ये उचित है ये अनुचित है, ये कृत्य है ये अकृत्य है, क्या उचित है क्या अनुचित है, वो ताकत समझाएगी। पांजी नाम पाया नहीं कोई, ताते गए भिगोए भिगोई, अब यहां भिगोई आ गया शब्द, वहां गे भी गोई कर दिया, गे भी फिर गोई। अब साहब कह रहे हैं ताते गए भिगोए भिगोई, इसलिए सच्चा नाम नहीं पाया, गए सब। दे भी जो लख बाबा ताकर आवा गमन नशा, इसी में है प्रकट पर दिसत नहीं, सतगुरु सेंग सहारा है। सभी शास्त्र भी तो यही कह रहे हैं ना, जब तक आप चीन नहीं पाई तब लग काज न एको सराई। अपने आप को समझो। आगे साहब क्या कह रहे, यातन में रहे न कोई मनोर आत्म मिले रह दो, धर्मदास में कहो बिचारी, पांजी भेद कहो अतिभागी, पांजी डोर चितना धरई मिथ्या दोष ग्रहण करे। अब यहां साहब एक बात करें, भाई जब नाम दिया उसके बाद वो चित्त में नहीं रख रहा है, अन्य चीजों में जाएगा वो भी जाएगा, वो भटकेगा। गुरु बताए पूरब को छेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। यही भेद है अगम अपारा, अब मैं कौन सकल व्यवहार, जो चीने सो दर्शन पाई, हंस है हंस मिले पुनः जाए, अंचित वचन हमरे धरे यम की डगर जाए सुकरे पड़े। बोला मेरे शब्दों की टीका टिप्पणी गलत करते हैं, वो सब जाते हैं यम के पास। मूल शब्द निर्वाण है कहे कबीर समझा, जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, विवेक उत्पन्न हो जाएगा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, गुरु ज्ञान उपजे कोटिन करे उपाय। मूल नाम है गुप्त सुसारा, बिरला पावे शब्द हमारा, गुप्त है, लिखा नहीं जा सकता पढ़ा नहीं जा सकता, वो कंसंट्रेशन से आप में देंगे। सत्य वचन अस्थि ना माने, गहे हंस सो पोष्ट काने, अगर अचिन सुरत सो हंगा, एक मूल गए हंस में हंगा। वाह कह रहे हैं
सुरति स्वंगा, स्वंग श्वास को कहते हैं। ये दोनों मिलाए एक मूल गए हंस व्यंगा, व्यंग गति यानी तब उसको एक ऐसा शरीर मिलता है व्यंग पक्षी की। व्यंग शब्द जाने ना कोई, ताते सो गए बिगोए बिगोई। सुरति व्यंगता नेचित जोड़ी, व्यंग नाम व्यंग है जोड़ी। बस ये सुरति सुरत संभाले काल है। व्यंग पुरुष संग हंस विहार सोई सिद्ध संत है भाई, सोहंग नाल चीन जिन पाई। एंडा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना है, वहां से पूरी बॉडी सीज करके जो आगे चलता है वो संत है। पुरुष है समीज विराजा, जिन जिन शब्द हमारा पाया। नाल है सत्य पुरुष की श्वासा, सो नाल पाताल में बासा। तय है पांजी को दरबारा, जो चढ़ हंस उतर गए पारा। यानी अब साहब करें पांजी नाम। अब पांजी कहते भेद को, लोगों ने उसको पांच बना दिया। पांजी कहते आइडेंटिफिकेशन, सहदानी कहते परिचय वाली पोस्ट को। अब पांजी की जगह उनको आती नहीं अवधि भाषा, पांच नाम बना दी। कहा है पांजी को दरबार, तो पांजी को पांच ही गिन के बैठ गए। आदि उदत अति अजरमन सप्त सिंधु नील, अदल अदल सोहंग गए साहेब कहे कबीर। अब साहेब वाणी में कह रहे हैं सुरत निरत मिला के सप्तनाल के सातों नामा, वीर व्यंग करे सब कामा। अमी नाल में हंस पयाना, सुरत नाल से हंस सिदाना। अग्र नाम कह करत आहारा, श्वास नाल से सकल पसारा। सदगुरु मिले वस्त निज पाए, बिन सदगुरु को भर मिटाए। अब यहाँ साहब कह रहे हैं जब सदगुरु मिलता है तब उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं होगा। सदगुरु दया सबे कुछ पाई, बिन सदगुरु वह जाए नशाई। सदगुरु बड़ा सुनार है, परखे वस्त भंडार। सुरत निरत मिलाए के मेट डार, खुटका सा खुटसा। खुट कहते खुट, जैसे सुनार सोने के अंदर का खोट निकाल देता है, इसी तरह एक पूर्ण गुरु आत्मा के अंदर से मन का निस्तारण कर देता है, हटा देता है। जीवन मुक्त शब्द है मिले महापुरुष के ज्ञान, वो जीवन मुक्त को प्राप्त कर लेता है। संसार में रहता हुआ भी जगत के पदार्थ उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, वो जगत के पदार्थों में आसक्त नहीं होता है। यह है नाम का मान। नाम के लिए प्रताप ते भय आन क्या। बंधु मैं कल पुनः आ जाऊंगा और मेरे शब्दों पर चिंतन करना। बाद में हम ये YouTube में भी डालते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, हमारी पुस्तकें एक बार नहीं पढ़ना, कई बार पढ़ना। प्रवचन एक बार नहीं पढ़ना, कई बार पढ़ना, तो आपको उसमें से सार मिलता जाएगा साहेब।